नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूँ आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। गंगौली हाट की पूर्व विधायक मीना गंगौला को मिला प्रदेश मंत्री का दायित्व। सीमांत जनपद से पहली बार किसी महिला को मिला यह दायित्व। भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी गंगौली हाट की पूर्व विधायक मीना गंगौला को प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला है। भाजपा प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार वह बेरीनाग पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में प्रदेश मंत्री मीना गंगौला का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश मंत्री मीना गंगौला ने दायित्व मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और संगठन महामंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वह बखूबी निभाएंगे। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पार्टी काम करने वालों को हमेशा अनदेखी नहीं करती है, कहीं ना कहीं उन पर पार्टी के नज़र होती है। आज जो मुझे पूरे प्रदेश में मंत्री पद दे करके काम करने का सौभाग्य मिला है, और मैं पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगी और पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करूंगी। 13,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हस्तिनापुर के युवा का लक्सर में हुआ जोरदार स्वागत। चार धाम सहित 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा के बाद पूरी होगी यह यात्रा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर निवासी दीपक गुज्जर नामक युवक द्वारा 13,000 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पद यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें आज वह गाजे बाजे के साथ लक्ष्य क्षेत्र पहुंचने पर भानु गुट के भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण और नारेबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं दीपक ने बताया कि सनातन धर्म का प्रचार हो और सभी सनातन धर्मी एकत्र होकर संगठित हो, इसके लिए यह पदयात्रा वह कर रहे हैं। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। 13,000 किलोमीटर पैदल यात्रा, जिसमें भारत के चार धाम और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग। तो मेरा टारगेट ये है, जो सनातन धर्म है, मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए जा रहा हूँ, जिससे सनातन धर्म एक जागरूक हो, एकत्र हो और संगठित हो, ताकि आने वाले टाइम में जल्द ही हमारा देश एक अखंड भारत बने और एकत्र बने रहे। अब यात्रा केदारनाथ हरिद्वार हस्तिनापुर पाली गांव से। देहरादून में मंत्री की आवाज निकालकर हुई ठगी। साइबर कैफे के मालिक को फोन कर बहन की बेटी की कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए कहा। साइबर ठग ने वित्त एवं विधायी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की आवाज निकालकर साइबर कैफे मालिक से ठगी का प्रयास किया। साइबर कैफे के मालिक को बहन की बेटी की कॉलेज की फीस के लिए 21,000 रुपए जमा कराने के लिए कहा, लेकिन जब साइबर कैफे मालिक ने मंत्री के पीआरओ से संपर्क किया तो मामला फर्जी निकला। वित्त मंत्री के ओएसडी ताजेंद्र सिंह नेगी ने कोतवाली में अज्ञात ठगों के खिलाफ तहरीर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती और पुलिस टीम ने ऋषिकेश में की मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी। एक संचालक के घर से मिली 24,000 नशीली दवाओं के कैप्सूल और गोली, 3 स्टोर किए गए सी। ड्रग कंट्रोल विभाग और कोतवाली पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री को लेकर शहर के मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई की। ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस ने मालवीय नगर में एक मेडिकल स्टोर संचालक के घर से 24,000 नशीली दवाओं के कैप्सूल और गोलियां बरामद की है। वहीं एक्सपायरी डिक्सपोर्ड फ्लूट बेचने और मानकों के विरुद्ध मेडिकल स्टोर संचालित करने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने 3 मेडिकल स्टोरों को भी सील कर दिया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।